जानकारी के अभाव के अंदर जो है वो योजना को कई लोग फायदों को उठा सकें, बल्कि संख्या 15,000 से बढ़ा की 30,000 कर दी गई है। जो के अंदर मैंने फ्री के अंदर जो है वो कोचिंग क्लास मिली, जैसे क्या की भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई फायदा आम जन तक पहुँच रहे हो नहीं। अभी पिछली बार भी फॉर्म लगवा लिया है और फिर जितना लेना चाहिए उतना लिया हाथ को नहीं, तो मतलब अपना गांव से निकल के जाए बढ़ने फायदा मिला को 60,000 करने थे तो और भी बच्चा जुड़ जाए। झुंझुनू जिले से ज्यादा लोगों को नंबर आओ। Download Deep 11 Fantasy app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण ओथे देख रहा हूँ जलको झुंझुनू, और आज आप बात करांगा सरकार से की भी बहुत सारी योजना लेके आवा है और बन को जो को वो कुछ जरूरतमंद जो को परिवार हुआ है फिर लोगों में फायदा को फायदा भी मिला, लेकिन कई बार क्या हुआ कि जानकारी के अभाव के अंदर जो है वो योजना को कई लोग फायदों को उठा सकें। आज आप बात कर रहे हैं एक राजस्थान सरकार की योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की बात आप कराँगा। बता दूँ कि इस बार 2023 के अंदर जगह लाभार्थी जगह लाभ मिला को बन की संख्या 15,000 से बढ़ा की 30,000 कर दी गई है। जगह के अंदर मैंने फ्री के अंदर जो है वो कोचिंग क्लास मिलेगी, जैसे क्या की भी तैयारी कर रहा हूँ, और बन की जो फॉर्म है 6 अप्रैल से यानी कि शुरू हो चुके हैं मेगा फॉर्म भरना, और 20 अप्रैल तक वह आवेदन वे कर सके हैं, और कहीं अभी को रजिस्ट्रेशन करना है कुण भी के अंदर कुण कुण कर सका है सारी जानकारी जाएगा। वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना है। और थाना बता दूँ कि यह की योजना है आर्थिक रूप से जगह कमजोर टाबरी विद्यार्थी ही बन के लिए मेन रूप से योजना जी की लाई गई है सरकार के द्वारा। और थाना बता दूँ कि यह देखिए 10वीं और 12वीं का जगह नंबर टाबला का हुई है, बल्कि मेरिट का आधार पर जो है बने सिलेक्शन बने मिलोगों, और 20 अप्रैल की ये लास्ट डेट रखी गई है। और अभी आप बात कराँगा कि योजना को जो वो के आपन लाभ मिलेगो कठे कठे आपन जो कोई को फायदा उठा सकता। बता दूँ कि जहाँ की सिविल सेवा की जगह परीक्षा ही आरएएस की जगह एग्जाम है, राजस्थान लोक सेवा जगह आयोग है, अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी जगह परीक्षा हुई, सब इंस्पेक्टर की, रीट की, कांस्टेबल की परीक्षा, इंजीनियरिंग प्रवेश की परीक्षा हुआ है, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा, और राजस्थान लोक सेवा आयोग और प्री मैट्रिक्स लेवल की जगह 10वीं से ऊपर की जगह परीक्षा हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जगह ही की एग्ज़ाम ही बन के अंदर जो है वो टॉपर फ्री के अंदर कोचिंग कर सके बन की, यानी कि इतनी जगह कोचिंग थाना नाम बताएं लगभग एक अंदर सारी कोचिंग सारी तरह की जगह परीक्षाएँ भी आ गई हैं, अण को जो है वो टॉपर लाभ उठा सके है और इसके लिए कूड़ी को फायदा उठा सके भी क्या बात करें तो एक अंदर फायदा देख सकें कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग सही ने आगे के अंदर आ गए, ST SC OBC और जनरल सभी के अंदर आ गए, लेकिन BPL परिवार जगह ही बेही को फायदा उठा सके ही, या फिर बनका जगह माता पिता ही को टाबर का जगह लेवल 11 तक को वेतन जगह ले रहे हैं, यानी कि बे जगह ही बे को फायदा उठा सके। और योग्यता भी की के रखी गई है, तो सबसे पहली बात जगह आई है कि राजस्थान की योजना है तो जो का आवेदक जो है जो टाबर जो है वो राजस्थान को मूल निवासी होना चाहिए पहली बात, बी के बाद में जी की परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए दूसरी बात, और बी के बाद में जगह माता पिता हैं उनकी लेवल 11 तक को उनको वेतन प्राप्त भी कर रहे हैं, और अनुसूचित जाति यानी ST SC OBC जनरल BPL के अंदर ही वे या एक भी के अंदर योग्यता है, और 10वीं 12वीं का जगह टाबर का जगह आंक आए ही नंबर आए ही परसेंटेज जगह बन का आए ही बन का आधार पर होगो, क्योंकि कई बार आप देखा कि डॉक्यूमेंट्स का भाव के अंदर जो है टाबर भी चीज़ को फायदों को उठा सकें एंड टाइम बजाय 20 तारीख ने लास्ट डेट है 19 तारीख ने टाबर संभालेगो पाँच डॉक्यूमेंट्स पूरा होगा उन पावे फायदों को उठा कौन सकें, तो वीडियो शेयर जरूर कर देना है ताकि जितना भी टाबरी को फायदा उठा सकें ही या फिर रोजाना उठाना चाहे बता गया खबर पूछा और टाबरी को फायदा उठा सकें। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें आधार कार्ड चाहेगो, उसके बाद में अभ्यर्थी को जो वो आय प्रमाण पत्र चाहेगो, जाति प्रमाण पत्र चाहेगो भी को, मूल निवास भी को चाहेगो, और 10वीं 12वीं की जगह मार्कशीट है भी की प्रमाण पत्र की यानी फोटो को भी चाहेगी, और शिक्षण संस्थान का जो अंदर जो प्रवेश दे रहे है बी को प्रमाण पत्र चाहेगो, शपथ पत्र चाहेगो, मोबाइल नंबर चाहेगा और पासपोर्ट साइज की फोटो चाहेगी, यानी कि ये जगह डॉक्यूमेंट्स हमें बताए हैं लगभग 5 से 6 जगह डॉक्यूमेंट्स ही, अगर ये आपने कर ही तो आप फायदा उठा सका और पढ़ाई आप करके आप जो भविष्य है बिल्कुल आप बना सका।
और एक अंदर एक जगह समस्या टापना की यह भी आवागी जहाँ कई लोग शहर से दूर गाँव के अंदर रही हैं, आसपास में कोई मित्र बन का कौन रहे, तो बन के लिए एक सुविधा यह भी है कि ऑनलाइन भी जो को है अपन को फॉर्म फिल कर सका। तो बिगले अपन क्या करना पड़ेगा, बिगले टापन जो को वो सबसे पहले SSO पोर्टल पर जाकर और आपकी SSO ID जी की भी लॉग इन करनी है। और अभी तक की कोई टाबर की अगर SSO ID नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई खेल कुने है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो, SSO ID फटाफट आपकी बनाओ। और बनाने के बाद में जो को वो बहाना SSO ID लॉग इन करने के बाद में SJMS SMS एप्लीकेशन के ऊपर बन क्लिक करना है। और यदि की योजना है अनुप्रति कोचिंग योजना भी के ऊपर क्लिक करके और स्टूडेंट को चयन कर लेना है। लेकिन बाद में जितनी भी जानकारी मांगी गई हैं सब भी के अंदर सही सी फिल करनी, याद रखियो गलत कौन करनी, सही सी फिल अपन करनी ही, ये चीज़ को अपन ध्यान रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सब फिल करना ही, सबमिट करना ही, अभी को प्रिंट आउट निकाल के आपके पास में रख लेना है और पढ़ाई अपने शुरू कर देनी है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। तो तैयारी वगैरह करा करोगे? हाँ, तैयारी चल रही है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में कुछ है जानकारी? हाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना तो बढ़िया है, लेकिन अभी कोई फायदा आम जन तक पहुँच रहे हो नहीं? अभी पहुँच रहे हो नहीं सर। अब बताएं, बता रहे हैं कि संख्या भी 15,000 से बढ़ाई, 30,000 कर दी है। 30,000 कर दी, लेकिन पिछली बार भी फॉर्म लगवा लिया और फिर जितना लेना चाहिए उतना लिया हाथ को नहीं। और कोचिंग भी आपने झुंझुनू में तो एक विवेकानंद कोचिंग ने संस्थान बनाई गई, तो बिम भी एडमिशन आया ही नहीं। तुर्की इलाके से भी योजना बना रहे हैं, अभी को फायदा मिल रहा है? चुनावी मुद्दा ही ये बनता रहेगा चुनाव के टाइम पर। मैं पूरी जानकारी देगी भाई, किन किन मिल लोग जाए, BPL वगैरह है, 8 लाख आय कम होनी चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लागे हैं, वो तो सब रहेगी। हाँ, वो सब पता, फार्म भी लगाए पिछली बार। अच्छा, फार्म भी लगाए। हाँ, फार्म तो योजना तो बढ़िया खड़ा, योजना तो बढ़िया, योजना बढ़िया है, लेकिन योजना धरती धरातल पर भी तो उतरनी चाहिए ना। सरकार जो कि 15,000 टावरान पहले बात ही बढ़ा के 30,000 की संख्या कर दी है, जो कि वो अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत फ्री में पढ़ाएगा, क्या लगा कि कितना शानदार कदम है? अच्छा कदम है कि साहब, अच्छे टावरान शिक्षित के मामले में थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी लग जाए। आजकल आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें, प्राइवेट कोचिंग की बात करें, कितनों के खर्चों लग जाए टावरान? खर्चों तो साहब देखो लग गई है, रात दिन पूरे शहर में आवा, एक किराए वाड़ो भी लग गया है, कोचिंग में भी दे, हाँ खानो पीनो सब भी करा, रूम लेके भी रहा, खर्चा तो लग गए। फ्री में थोड़ी बहुत हेल्प मिली है सरकार की, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम? विकास कुमार। विकास जी, थाने के लगे कि भाई गेली साल भी बात ही पढ़ाने की और झुंझुनू के अंदर अभी तक है, लागे को नहीं कोटा में पढ़ाया भी है, क्या लगे कितों के फायदा होगा? हाँ, झुंझुनू में तो थोड़ा कम ही लग गया है, लेकिन जहाँ बड़ा शहर है जयपुर है जोधपुर है, तो लोग ज़्यादा किराए लागे बड़े लेके रूम रहे हैं, खाना पीनो करें आपको, सो क्या लग गया जब एक मैम यदि कोई को नंबर आ रहा है जाए, मतलब शिक्षित टावरा ज़्यादा है के अंदर जो आप नंबर की आप बात करें तो जाएँ कि 10वीं 12वीं का जगह परसेंटेज ही बन के ऊपर मेरिट बेस के ऊपर जो को है टावरा सेलेक्ट करे जाएंगे और बन जो को वो फ्री कोचिंग दी जाए। हाँ, जगह मतलब ज़्यादा मेरिट ऑलरे टावर ही बनना तो फायदा मिले ही मिलेगा, जो मतलब अपने गाँव से निकल के जाए ही बनना फायदा मिलेगा। जो उषा टावर ओबीसी बात है, उषा टावर है तो बिन भी चीज़ को फायदा मिलेगा, तो मन लागे बढ़िया है, अगर कोई जरूरतमंद है तो सही। हाँ सही है, अगर 30,000 ही ये ज़्यादा करनी चाहिए, 60,000 करने तो और भी बच्चा जुड़ जाए, अभी तो ज़्यादा हो जाए और भी बेनिफिट हो जाए, गांव का लोग हैं आए हैं शहर में पढ़ने तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अभी झुंझुनू को कितना के लागे कितना टावर नंबर आ जाओ? नंबर को तो साहब के अंदर चल गया, जिस हिसाब से आदमी राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर 30,000 है ना, झुंझुनू के अंदर कितना कितना नंबर आऊँगा? ज्यादा और बढ़ानी चाहिए, ठीक है, अच्छा ही है टावरा के लिए। तो मैंने बताओ कि पिछली बार भी बात हुई 15,000 की, क्या लगा कि झुंझुनू में कोई फायदा मिल जाएगा अभी को? हाँ, झुंझुनू के ग्रामीण साक्षरता दर थन भी रहे, राजस्थान में टॉप पर ही रहे, तो ग्रामीण क्षेत्रों लोग निकल के जाएंगे, तो झुंझुनू को मन विश्वास है कि ज़्यादा लोग राजस्थान में झुंझुनू जिले से ज़्यादा लोगों को नंबर आओगे, फायदा होगा बिल्कुल होगा। और जन मतलब बेरोजगारी के हिसाब से और भी यहाँ की सीट ही बढ़ानी चाहिए। अच्छी चीज़ मैंने बताओगी था कि आप देखा कि फ्री की जगह चीज़ हुई, चाहे आप इंदिरा रसोई की बात कर ले या फिर कोई भी चीज़ आप फ्री की चीज़ बात करना, लेकिन अंदर क्वालिटी अपन कर देंगे कम मिल रहा है, तो क्या लगा कि बिग के ऊपर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए? फ्री तो कर दी, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन टावरान मिल रही है, कौन मिल रही है, बिग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल क्वालिटी पर तो ध्यान देना चाहिए, तो फ्री करते हैं टाइम खराब होने में मतलब को नहीं, बिग चीज़ को क्वालिटी पर तो ध्यान देना चाहिए, सरकार ने बार बार एक चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए।